बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज आवाम की आवाज दे नाल खिदमत हाजरा। असा इस टाइम मौजूद आ विलेज कौंसल कांगड़ा दे ऑफिस विच। साडे नाल मौजूद ने किसान कौंसलर साहब। असी उन्हां नाल सवाल जो बात दा सिलसिला शुरू करने तो पहले तुसां सलाम पेश करने हैं और तुसी अपना तारुफ भी करा सो और किसानां दे हवाले नाल तुसी दसो कि किहड़े मसाइल ने। मैं जहूर खान किसान कौंसलर विलेज कौंसल कांगड़ा। सब तो पहले सच आवाज और तमाम अपने विलेज कौंसल दे आवाम का शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने मां अज इस स्टेज तक पहुँचाया। मैं इस काबिल नहीं आया लेकिन आवाम ने भरपूर धारण किया मेरे नाल और मैं इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं उन्होंने एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँ। आवाम की खिदमत हो गई, आवाम की खिदमत जिस तक मुमकिन हो सके इंशाल्लाह करसा और जड़े भी मिसाइल साढ़े पास चाहे चाहे असा किसी ने लड़ना पाया तो भी लड़के आवाम ने मिसाइल हल कर किसी की मेहनत करनी पी तो मेहनत करके भी आवाम ने मिसाइल हल कर बकाया किसान से। मैं सच टी वी के जरिए प्रिंट मीडिया के जरिए तमाम हकूमती इदारे अगे गुजारिश करना चाहना। असी बेसिकली छोटे किसान हाँ, साढ़े को 10 कनाल 5 कनाल 8 कनाल 15 कनाल इस तो बड़ा किसान कोई भी नहीं। तो अज हालात इस तरह के हो गए हैं कि बीज भी नहीं मिलते बाजार में। जी बीज अगर 5,000 का है तो असा मौके पर 10,000 का मिलता है और खाद जी 1600-1700 की बोरी है वो 4,000 की मार्केट में मिलती है। मैं ये हकूमती इदारे अगे गुजारिश करना चाहना कि बराए मेहरबानी साढ़े इन्होंने किसानों पर रहम करो और इस चीज़ का ख्याल किया जाए कि असा मजबूर आज साड़ी आवाम मजबूर हो गई है। अगर असा ये बीज खाद बेहतर मुयसर आने असी मजबूर ना होवे कि असी अपने जमीन जमींदारा छोड़ के असी बेचने के मजबूर हो गए। सिर्फ वजह है कि ना बीज मिलता है टाइम से, ना खाद सही मिलती है, ना कोई साढ़े को जरात दस्ते कोई और सहूलत ऐसी है ना साढ़े को पानी का सिस्टम है ना कोई जरी ट्यूबवैल असा मुजस्सर कीते गए हैं। तो बराए मेहरबानी मैं ये अपने हकूमती इदारे अगे गुजारिश करना चाहना कि इस चीज़ उत्ते थोड़ा जहा ख्याल करो। असी छोटे किसान हाँ, असा मजबूर ना करो कि असी अपनी जमीन बेचने से आ गए। देखो जी बेसिकली असी मजदूर भी हाँ किसान भी हाँ। मेरी अपनी सोच है कि किसान वास्ते जिथे तक कुछ मुमकिन हो सके अपनी आवाज उठा सक। और दूसरा एक चीज़ छोटी जी और भी मैं अर्ज करना चाहना कि आने वाला वक्त आहिस्ता आहिस्ता असी बेसिकली मुसलमान हाँ, साढ़ा ईमान भी एक दज्जाल की तरफ ही असी और उसकी बेसिक बुनियादी चीज़ यही होती कि असा जरात को दूर हो जैसा असा खुराक न मिलसी। मैं आवाम अगे भी गुजारिश करना चाहना, किसान अगे भी गुजारिश करना चाहना कि बराए मेहरबानी अपनी जरात पर जोर दें। और अगर मिसाल तौर पर मेरे अगर 2 बच्चे ने 4 बच्चे ने अगर उन्होंने मैं घर की जरूरत हुई तो मैं मकान देते मकान बना के इंसान मेरा बहुत गुजारा हो जाती गुजर फसल हो जाती। लेकिन अगर मेरे को खाने से आटा ना हो दाने ना हो तो मेरा गुजारा नहीं। इस वास्ते मैं दोबारा अपील करना चाहना कि बराए मेहरबानी हकूमती इदारे भी और आवाम भी इस चीज़ से थोड़ा जहाँ मेरा सामना करो। जिन्होंने और मैं इंशाल्लाह उन्हें यकीन दिलाना कि जिस टाइम भी चली पे साढ़े को जो खिदमत हो सकी असी उन्होंने अपनी बीसी के किसान महकमा जी बिल्कुल एक दो दफा मैं महकमा जरात गया खाद वास्ते बीजा वास्ते लेकिन कोई बेहतर रिस्पांस नहीं मिला। डीसी साहब को कोई पैगाम देना ही होगा? डीसी साहब को मैं ही पैगाम देना चाहना कि बड़ा मेहरबानी इस तरह देखो एक सरकारी यूरिया है यूरिया का सिस्टम चला यूरिया का इस्तेमाल का वक्त आया
शुक्रिया जी। साढ़े प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।